अयोध्या छोड़ने के बाद वन में चले गए। वहाँ जाकर वे कुटिया में रहने लगे। एक दिन माता सीता को एक मायावी हिरण दिख गया। उन्होंने श्री राम जी को उसे लाने के लिए कहा। राम जी उसके पीछे चल पड़े। बहुत देर हो गई, राम जी वापस नहीं लौटे। सीता जी और लक्ष्मण प्रतीक्षा करते रहे। तभी आवाज आई उनको, अहो सीते, अहो लक्ष्मण। सुनकर सीता जी भयभीत हो गई। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुरंत जाओ और राम जी की सहायता करो। तभी लक्ष्मण जी ने तीन रेखाएं खींच करके माता सीता जी से कहा, कुछ भी हो जाए ये रेखा पार मत करिएगा, और चले गए। सीता माता बिल्कुल भयभीत थी और अकेली भी थी। वो राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी लंकाधीश लंकाधिपति रावण वहाँ पहुँचा, भिखारी के भेष में। भिक्षा न दे ही, 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 भिक्षा न दे ही। चांदनी जैसी तू है, चांदनी जैसी तू, अकड़ वकड़ बम बुकर खोजो, चोरी करके वो चला उसे ढूंढो। अंजनी पुत्र जरा आओ यहाँ, उठाओ गदा उसे डराओ जरा। लेके चला गया वो तो उसे देखो। ರೋಡಲ್ಲಿಂತೂ ಕಾಯ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾತುಕ್ ಸೈಡ್ ಕರಿಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ ಹೇಳಲೇ. ಅವನ್ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಲವ್ ಆಗೈತೆ ನಿನ್ನಲೆ, ಲವ್ ಆಗೈತೆ ನಿನ್ನಲೆ. ನೀನೇನ್ ರುಕ್ಕು ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಲವ್ ಆಗೈತೆ.